जालौन के बिजली विभाग के संविदा कर्मी पहुंचे उप जिला अधिकारी कोच के कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। संविदा कर्मियों ने ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार ने उनका कई महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि हम लोग तो उस पर ही निर्भर रहते हैं और उसी से अपने घर का भरण पोषण करते हैं। संविदा कर्मियों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने उचित कार्यों को बताया, लेकिन किसी ने हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिया और अभी तक हमें वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर आज हम सारे संविदा कर्मी एकत्रित होकर उप जिला अधिकारी के पास अपनी लिखित शिकायत लेकर आए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यूपी जिला अधिकारी इसको संज्ञान में लेकर कोई कार्यवाही करेंगे या समय मिलने पर संविदा कर्मियों को वेतन मिलेगा। पूरा मामला जनपद जालौन के कोच का है। देखिए मुनव्वर अली की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं जो है जनपद जालौन के कोच उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर हमारे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारे बिजली विभाग के लोग खड़े हुए हैं, लाइनमैन जिनको हम बोलते हैं, जो एक हमारी जिंदगी का हिस्सा भी है। ये लोग आज अपनी फरियाद लेकर के उप जिलाधिकारी कोच के यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इनकी एक बड़ी जटिल समस्या है कि ठेकेदार के द्वारा इनका वेतन रोक लिया गया। आखिर ऐसी दबंगाई ठेकेदार के द्वारा क्यों होती है, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके खंबे पे 20 फुट के खंबे पे चढ़कर लाइट सही करते हैं, लोगों को व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद भी इन्हीं का वेतन क्यों रोका जाता है? ये तो मजदूर हैं, ये तो एक मजदूरी करते हैं, इस पर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं जाता? ये अपने घर का भरण पोषण कैसे करेंगे? अगर इन लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तो ये कैसे अपने घर चलाएंगे, किस तरह से भरण पोषण करेंगे? सरकार की तरफ से जो भी आता हो वो ठेकेदार को आता है, इनको तो ठेकेदार 200 या 250 रुपये पर डे पे लगाए हुए हैं। इनके रोज की अगर देखा जाए तो आज 400 से 600 रुपये मजदूरी है, लेकिन इनको तो कुल 200 से 250 रुपये ही मिलता है और इन्हीं लोगों का वेतन रोका जाता है, जिसको लेकर के आज जिलाधिकारी के यहाँ ये लोग अपनी समस्या को लेकर आए हैं, जबकि उच्च अधिकारियों को इनकी समस्या सुननी चाहिए, लेकिन जब नहीं सुनी गई तब ये लोग उप जिलाधिकारी के यहाँ मजबूर में आए हैं, क्योंकि इनके पास खाने को और घर के बच्चों का खर्चा सब उसी से इनका चलता है, इनको जो 4000, 6000 या 8000 रुपए मिलता है। उच्च अधिकारी जो है बिजली विभाग के, जो एसी में बड़े बड़े एसी लगाकर कमरों में बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको 1 लाख के ऊपर तनख्वाही मिल रही है और उनके घर का भरण पोषण उतने में नहीं हो रहा है, तो इनका 4 और 6 हज़ार में कैसे होगा? इनका वेतन तत्काल दिलाना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये आज आए हैं, उप जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात बताएंगे, देखते हैं उप जिलाधिकारी इनके लिए क्या करते हैं। मैं जनपद जालौन से मुनव्वर देने जा रहे हैं, क्या मांग है? मेरी वेतन की मांग है, समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है हम लोगों को, ऊपर से आदेश 1 से 5 तारीख तक देने का है, 3-3, 4-4 महीने हो रहे हैं, हम लोगों को वेतन नहीं मिल रही है। आपके वेतन जो है ठेकेदार के द्वारा मिलता है या आपके सीधे खाते में? ठेकेदार के द्वारा मिलता है, थैंक्स पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा हम लोगों को मिल रहा है। सर वीरन सिंह, आपने कभी अपने एसडीओ से शिकायत की इसकी? जी, एसडीओ जेई से सभी शिकायत की। उन्होंने क्या जवाब? आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, यही आश्वासन देते हैं। इस समय 2 महीने की रुकी है, 2 महीने का रुका है। बाकी आपका मिल रहा है आगे से? नहीं, पीछे की नहीं दे रहे, आगे की दे रहे हैं। आगे का दे रहे हैं, ऐसा क्यों? उनसे कारण पूछा, कह रहे अभी पैसा पास नहीं हुआ हमारा।